हेलो फ्रेंड्स, चिकित्सास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको आलू लच्छे की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बनता है। गुजराती में हम इसे बटाकानी छीण बोलते हैं। हम लोग इसे एक साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो चाय के साथ फ्राई करके भी आप इसे दे सकते हैं या खुद भी इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं। इसके ऊपर सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब छिड़क के खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, रेसिपी बताने से पहले मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना। तो चलो देखते हैं आलू लच्छा बनाने की रेसिपी। आलू लच्छा बनाने के लिए हमें बड़ी साइज के और अच्छी क्वालिटी के आलू चाहिए। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो आलू लिया है। अब मैं इसे छील लूंगी। सारे आलू के मैंने छिलके निकाल दिए हैं। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके फिर से मैंने इसमें पानी में डाल दिया है ताकि ये लाल ना हो जाए। अब मैं आलू को इस बड़े कद्दूकस से कद्दूकस कर लूंगी। कद्दूकस करते वक्त ध्यान रखना है, हाथ भी छिल सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको कद्दूकस करें और ध्यान रखें बड़ा कद्दूकस ले ताकि बड़ी बड़ी छीन निकले। इस तरह से मैं सारे आलू को कद्दूकस कर लूंगी। जैसे ही आप एक आलू का कद्दूकस कर ले तुरंत ही उसको पानी में डाल दीजिए ताकि लाल ना हो जाए। इसी तरह से एक एक आलू के कद्दूकस करते जाए और पानी में डालते जाए ताकि कद्दूकस किया हुआ जो आलू है वो लाल ना हो जाए। सारे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया। इसके बाद मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी डाल के वॉश कर लिया है। अब मैं इसे फिर से एक बड़े बर्तन में पानी डाल के इसको डाल दूंगी। सारे आलू के छीन को मैं एक बड़े बर्तन में पानी डाल के इसके अंदर डाल दूंगी और ढक्कन लगा के एक नाइट के लिए मैं इसे रख दूंगी। छीन के ऊपर तक पानी होना चाहिए। एक नाइट के बाद मैंने इसे फिर से 3 बार पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं पानी एकदम साफ है ताकि इसमें जितना भी स्टार्च हो वो सारा निकल जाए। इसे मैंने 2 से 3 बार पहले भी धोया था, एक नाइट के बाद अभी भी मैंने इसे 3 बार धोया है। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा भी स्टार्च रहेगा तो हमारी ये जो लच्छा है वो लाल हो सकता है, इसीलिए आप इसे 3 से 4 बार तो धोए। आलू के लच्छे को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल दिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। एक बड़े बर्तन में पानी डाल के मैंने इसे उबलने रख दिया था। पानी उबल गया है, अब मैं इसमें आलू के लच्छे डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, आप चाहे तो फराली नमक भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो उबलते हुए पानी में भी नमक डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप उपवास में खाने वाले हैं तो आप फराली नमक का यूज करें। अब मैं ढक्कन लगा के इसे पकने रख दूंगी। 7 से 8 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। आलू ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए या कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अगर कच्चा रहेगा तो ये लकड़े जैसा होगा, क्रंची नहीं लगेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें।
अगर ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो सीरा हो जाएगा। आलू को दो उंगली में लेके दबा के चेक करें, अगर ये तुरंत ही दब जाता है तो आलू पक गया है समझे। देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे, आलू हमारे पक गए हैं। अब मैं इसे छालनी में निकाल रही हूँ। सारे आलू के छिनको मैं छालनी में निकाल दूंगी। इसके बाद में मैं फिर से थोड़ा नमक और आलू की छीन डाल दूंगी और इसको हम एक साफ़ कपड़े पर फैला देंगे फैन के नीचे। हमें इसे घर में ही फैलाना है एक साफ़ कपड़े पे। जब तक ये आलू की छीन पकेगी तब तक हम इस बॉयल की हुई आलू की छीन को फैला के आएंगे। फिर से हम इसे ढक्कन लगा के पकने देंगे। सारे आलू के छीन को मैंने इस तरह से साफ कपड़े पे सुखा लिया है, पंखे के नीचे ही रखा है। फ्रेंड्स मैंने इसे 12 बजे सुखाया था, शाम के 6 बजे तो देखिए ये एकदम सूख गया है। मैं इसे कपड़े में लपेट के रख दूंगी, दूसरे दिन भी इसी तरह से मैं इसे सुखाऊंगी। फ्रेंड्स वैसे तो एक दिन में ही ये अच्छे से सूख जाता है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए ही मैं इसे 2 दिन के लिए सुखाती हूँ कि इसमें कोई नमी ना रह जाए। इसके बाद मैं इसे गर्म ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी एंड क्रंची आलू लच्छा बनकर तैयार हुआ है, एकदम वाइट बना है, बिल्कुल ही लाल नहीं है, क्योंकि हमें इसे बहुत सारे पानी में धोया था आलू को, इसलिए आप देख सकते हैं कि एकदम सफ़ेद हमारे आलू के लच्छे बनके तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।